पॉकीमॉन शोल्ड एंड शील्ड में अभी तक हम लोगों को 91 न्यू पॉकीमॉन्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जो अलग अलग टाइप से बिलोंग करते हैं। तो आज हम लोग शोल्ड एंड शील्ड के बेस्ट पॉकीमॉन्स को फाइंड करने वाले हैं उनके पर्टिकुलर टाइप्स में से। तो अभी हम लोग को मिलने वाले हैं शोल्ड एंड शील्ड के 18 बेस्ट पॉकीमॉन्स फ्रॉम ईच टाइप। और हाँ, ये पूरी लिस्ट मेरी ओपिनियन पे बेस्ड है, इसलिए ऑफेंड तो मत ही होना। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टाइप है नॉर्मल, जिसमें ऑब्स्टाकुन बेस्ट है शोल्ड एंड शील्ड में, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अलावा और कोई अच्छा पॉकीमॉन शोल्ड एंड शील्ड में नॉर्मल टाइप का इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं गया है जो इसको टक्कर दे पाए। और ऑब्स्टाकुन के स्टैट्स एंड एबिलिटीज भी काफ़ी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू अदर नॉर्मल टाइप इन शोल्ड एंड शील्ड। नेक्स्ट टाइप है साइकिक, जहाँ बेस्ट पॉकीमॉन है हैटरिनी। शोल्ड एंड शील्ड में सिर्फ ऑर्बिटर, इंडीडी एंड हैटरिनी की इवोल्यूशनरी लाइन साइकिक टाइप की है। मेरे लिए इनमें से हैटरिनी को पिक करना काफ़ी आसान रहा, बिकॉज बाकी दो पॉकीमॉन्स उतने अट्रैक्टिव भी नहीं थे और रेटिंग भी उनकी काफ़ी कम थी एज कम्पेयर टू हैटरिनी। एंड हैटरिनी के पास साइकिक टाइप के कुछ बेस्ट मूव्स भी है, इस कारण से हैटरिनी बेस्ट साइकिक टाइप पॉकीमॉन इन शोल्ड एंड शील्ड बनता है। नाउ फायर टाइप, जहाँ सिंडर एस एंड कॉलोसल में मैं कंफ्यूज था, बट सिंडर एस डिजर्व्स इट बिकॉज फैन रेटिंग तो ऑब्वियसली सिंडर एस की काफ़ी ज़्यादा है एंड कॉलोसल इसी कारण से थोड़ा पीछे रह गया। और सिंडर एस की स्टैट्स भी डिसेंट है और डिज़ाइन भी कॉलोसल से तो काफ़ी अच्छी है। एंड साथ ही साथ फायर टाइप में वन ऑफ द बेस्ट मूवसेट भी रखता है सिंडर एस, दैट्स वाई सिंडर एस बेस्ट शोल्ड एंड शील्ड का फायर टाइप पॉकीमॉन है। वाटर टाइप के बेस्ट पॉकीमॉन बनने के लिए काफ़ी कॉम्पिटिटर्स से लाइक इंटेल योन ड्रेडनो एंड एक्टोविज, बट इंटेल योन इनमें से बेस्ट है। भले ही ड्रेडनो एंड एक्टोविज भी वाटर टाइप के अच्छे पॉकीमॉन से शोल्ड एंड शील्ड में, पर मूवसेट और स्टैट्स इंटेल योन के ज़्यादा अच्छा है और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंटेल योन का ही अच्छा है। पर पता नहीं क्यों लोगों को इंटेल योन ज़्यादा पसंद नहीं आता है, बट आई लाइक दिस चिपकली। बाय द वे, ये पॉकीमॉन यानी कि इंटेलियन भी एक अच्छा पॉकीमॉन है एज कम्पेयर टू अदर वाटर टाइप पॉकीमॉन इन शोल्ड एंड शील्ड, एंड दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू दोज फैक्टर्स। अब ग्रास टाइप की बारी है, जबकि हम लोगों ने बाकी दो स्टार्टर्स को बेस्ट प्रूफ कर ही दिया है, तो अपना ग्रास स्टार्टर रिलाबूम भी क्यों पीछे रहे इस लिस्ट में। एंड ग्रास टाइप में इसके पास भी काफ़ी सारे अच्छे मूव्स है, और अगर बात करें डिज़ाइन की देन अकॉर्डिंग टू ऑडियंस इट इज़ अमेजिंग। इसकी लुक थोड़ी डेयरिंग है जो इसको दूसरों से और भी अलग और खास बनाती है। बाय द वे, गेम्स में परफॉर्मेंस इसकी बिल्कुल एंड लेवल की है, दैट्स व्हाई रिलाबूम इज बेस्ट ग्रास टाइप पॉकीमॉन इन शोल्ड एंड शील्ड। इलेक्ट्रिक टाइप में कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा थी, बट बोल्टून भी बेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप पॉकीमॉन है। भले ही एक्टोजॉल्ट की स्टैट्स बोल्टून से ज़्यादा हो, बट फैन पॉपुलैरिटी करेंटली तो बोल्टून की काफ़ी ज़्यादा है एक्टोजॉल्ट से। एंड डिज़ाइन तो मुझे बोल्टून की काफ़ी पसंद है, और बोल्टून के मूवसेट में भी कोई कमी नहीं है, इसलिए बोल्टून बेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप पॉकीमॉन है शोल्ड एंड शील्ड का। सेंटी स्कॉर्च को मैं बेस्ट बग टाइप इन शोल्ड एंड शील्ड मानता हूँ, बिकॉज इसकी सेकेंडरी टाइप पे फायर, जिससे ये बाकियों से बेटर बनता है। और वोल्केओना के भी तो याद सेंटी स्कॉर्च ने दिला ही दिया। एज वी नो वोल्केओना कितना पावरफुल था, तो शोल्ड एंड शील्ड में वोल्केओना जैसे ही काम ये भी कर सकता है। वैसे तो डिज़ाइन इसकी डिसेंट है, बट मूवसेट एज अ बर्ग टाइप कमाल की है सेंटी स्कॉर्च की। एंड अभी तो ये देखना बाकी है इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है कि नहीं, पर मेरे ख्याल से इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि इसके पास जाइगेंटा मैक्स फॉर्म भी है। एंड एज वेल एज ये वन ऑफ द बेस्ट बर्ग टाइप पॉकीमॉन तो होने वाला है। सो यही है बर्ग टाइप का बेस्ट पॉकीमॉन इन शोल्ड एंड शील्ड। आइस टाइप में तो एक्टोविज मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि मूवसेट इसकी खतरनाक है, स्टैट्स भी इसकी बाकी आइस टाइप पॉकीमॉन से जो शोल्ड एंड शील्ड में है उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आफ्टर ऑल डिज़ाइन भी इसकी उतनी ख़राब नहीं है, परफॉर्मेंस वाइज भी एक्टोविज वन ऑफ द बेस्ट आइस टाइप है शोल्ड एंड शील्ड में। एंड जरूर आना चाहिए शोल्ड एंड शील्ड के बेस्ट पॉकीमॉन्स में भी इसको, भले ही ये उतना पॉपुलर ना हो, बट तब भी एक्टोविज के अलावा
कोई और अच्छा पॉकीमोन का चॉइस नहीं था मेरे पास, दैट्स व्हाई मुझे एक्टोविस को ही बेस्ट आइस टाइप पॉकीमोन डिक्लेयर करना पड़ा। नो डाउट पॉइजन टाइप में टॉक्सिसिटी बेस्ट है, क्योंकि अगर कोई और पॉइजन टाइप पॉकीमोन शॉर्ट एंड शील्ड में हो तभी तो कॉम्पिटिशन बनेगा। एंड हाँ, एटरनेटस की मैं अभी बात नहीं करने वाला क्योंकि हम लोग उसकी बात आगे करेंगे वीडियो में। बाय द वे, टॉक्सिसिटी की डिज़ाइन क्रोगंग से थोड़ी सी मिलती है और टॉक्सिक्रॉक से भी थोड़ी थोड़ी मिलती है। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस आगे की एनिमे में भी अच्छी होने वाली है। एंड गेम्स में तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, मूवसेट में भी काफ़ी दम है इसका। एंड एज ए डिज़ाइन, यानी कि डिज़ाइन वाइज भी टॉक्सिसिटी वन ऑफ द कूलेस्ट डिज़ाइन है शॉर्ड एंड शील्ड का। देयरफॉर टॉक्सिसिटी बेस्ट पॉइजन टाइप पॉकीमॉन है शॉर्ड एंड शील्ड में, बट आफ्टर एटरनेटस। नाउ इट्स टाइम फॉर ग्राउंड टाइप, जिसपे रूनेरीगस बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके अलावा और कोई ग्राउंड टाइप पॉकीमॉन पॉकीमॉन शॉर्ड एंड शील्ड में इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं गया है, इसलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बट रूनेरीगस की भी डिज़ाइन डिसेंट है और मूव्स भी ठीक ही ठाक ही सीखता है। और गैरियन या मैक्स गोफाग्रियस में इवॉल्व ना होकर यूनेग्रियस में इवॉल्व होता है, ये कुछ अलग से कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने मिला है शॉर्ड एंड शील्ड में। बाय द वे, यही है शॉर्ड एंड शील्ड के ग्राउंड टाइप का बेस्ट पॉकीमॉन। आई मीन यूनेग्रियस ही है बेस्ट शॉर्ड एंड शील्ड के ग्राउंड टाइप पॉकीमॉन। क्या हुआ अगर कोलोसल बेस्ट फायर टाइप पॉकीमॉन नहीं बन पाया, तो कोलोसल बेस्ट शॉक टाइप पॉकीमॉन तो बन ही गया, बिकॉज इसके टक्कर का तो कोई और रॉक टाइप पॉकीमॉन था ही नहीं। और भले इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी अजीब हो, लेकिन फिर भी इसकी गेम्स में अच्छी परफॉर्मेंस है। हम लोग इसको नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी मूवसेट भी काफ़ी कमाल की है, तभी तो ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है गेम्स में। एंड फायर टाइप इसको थोड़ा स्ट्रेंथ भी देता है, बट इसी कारण से वाटर टाइप पॉकीमॉन से ये 4 times वीक भी हो जाता है। पर बाकी कोई भी ऐसा रॉक टाइप पॉकीमॉन नहीं है जो कोलोसॉल के आसपास भी आ सके, दैट्स वाई कोलोसॉल बेस्ट रॉक टाइप पॉकीमॉन सॉर्ड एंड शील्ड में। नाउ वी हैव फाइटिंग टाइप, जहां जामाजेंटा के अलावा और कौन बेस्ट बन सकता है, बिकॉज एज वी नो ये लेजेंडरी है, तो ऑफकोर्स जामाजेंटा ही होगा बेस्ट। एंड कुछ पर्टिकुलर मूव्स इसको और भी पावरफुल बनाती है, और क्राउन फॉर्म में तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में और कुछ कहना मुझे जरूरी होगा, क्योंकि आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन तो इसके लिए होगी ही। बेस्ट फ्लाइंग टाइप पॉकीमॉन की अगर बात करें इन शॉर्ड एंड शील्ड, तो एक ही नाम दिमाग में आएगा, एंड दैट इज कॉर्विनाइट। और पॉकीमॉन कंपनी ने तो खुद ही कह दिया था कि शॉर्ड एंड शील्ड का बेस्ट फ्लाइंग टाइप पॉकीमॉन कॉर्विनाइट ही होने वाला है, तो हम लोग इस बात को काट कैसे सकते हैं। एंड कॉर्विनाइट एक तरह से फैंस का फेवरेट तो है ही, साथ ही साथ इसके मूवसेट को एक्सट्रीमली पावरफुल बनाया गया है, जो इसको और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। एंड दैट्स वाई शॉर्ड एंड शील्ड का बेस्ट फ्लाइंग टाइप पॉकीमॉन कॉर्विनाइट है। अब घोष टाइप की बारी है, जहाँ ड्रैगापुल्ट की जगह और कौन ले सकता है, क्योंकि लेजेंडरी पॉकीमॉन के बाद सबसे ज़्यादा लोग इसकी को पकड़ने के लिए पागल हो रहे थे, और वो हो भी क्यों ना, इतने स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन जो है। और ड्रैगन टाइप इसको दूसरे से अलग एंड पावरफुल भी बनाती है, और मूवसेट तो इसकी एक अलग ही लेवल पे है, दैट्स वाई ड्रैगापुल्ट इज बेस्ट घोष टाइप पॉकीमॉन इन शॉर्ड एंड शील्ड। हियर वी हैव स्टील टाइप, जहाँ नन अदर देन डुराल्डन बेस्ट है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, इज टू गुड देन अदर स्टील टाइप पॉकीमॉन। मूव्स में भी इसकी कोई कमी नहीं है, एंड इसकी पॉपुलैरिटी तो हम लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा पक्का मुझे कमेंट्स में आएंगे कि जैशन एंड जैमेजेंटा भी ग्राउंड फॉर्म में स्टील टाइप के हो जाते हैं, बट मैं स्टील टाइप के इन ग्राउंड फॉर्म को इंक्लूड करना नहीं चाहता था, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं इनको इंक्लूड करता तो फिर ड्वेल्डन जैसा एक अच्छा पॉकीमॉन इस लिस्ट में नहीं आ पाता, और जस्ट मैं इस फॉर्म्स को इंक्लूड नहीं करना चाहता था, दैट्स वाई मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया। और मैं ड्वेल्डन को पिक किया एज अ बेस्ट स्टील टाइप पॉकीमॉन, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस एंड इसकी एबिलिटीज तक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फ्यूरी टाइप में ऑफकोर्स यार जैशियन ही बेस्ट है, तो जैशियन जैसी पॉपुलैरिटी तो शॉर्ड एंड शील्ड का कोई भी पॉकीमॉन नहीं रखेगा, और ना रख पाएगा भी। और लेजेंडरी तो ये है ही, विच मीन्स ये पावरफुल भी होना ही चाहिए, और ये है भी। इसको ग्राउंड फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो उस टाइम तो इसकी लुक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। आफ्टर ऑल इसके डेडली अटैक्स के बारे में तो हम लोग कैसे भूल सकते हैं।
इस फेरी पॉकीमोन ने तो सही में पॉकीमोन शॉर्ट में अपना राज किया हुआ है। डार्क टाइप में मुझे ग्रीम स्नैल को छोड़कर और कोई पॉकीमोन अच्छा ही नहीं लगा और रेटिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई है डार्क टाइप में। मूवसेट इस डेंजरस पॉकीमोन को और भी डेंजरस बनाती है। इसका अल्टरनेट भी कोई पॉकीमोन चूज करना काफ़ी मुश्किल होगा एंड इट इज़ गोना टू बी बेस्ट डार्क टाइप पॉकीमोन इन शॉर्ड एंड शील्ड। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्चुअली ये बेस्ट है। यप, हम लोग बात कर रहे हैं बेस्ट ड्रैगन टाइप पॉकीमोन एटरनेटस के बारे में। इसकी अल्टरनेट फॉर्म में बेस्टैस 1100 क्रॉस कर जाती है। मेरे पास एक्चुअली डिस्क्राइब करने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। ये ऑल टाइम बेस्ट पॉकीमोन में से एक होने वाला है। एटरनेटस के जलवा तो बिल्कुल अभी फैला हुआ है, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एंड ट्रूली इट्स द बेस्ट ड्रैगन टाइप पॉकीमोन इन शॉर्ड एंड शील्ड। सो फाइनली ऑल डन एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके ही जाना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन दिस इज पॉकीमोन गैलेक्सी साइनिंग आउट।